पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ रेफ्रिजरेशन पे, वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बेसिस पे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। उस वीडियो के लिए मैं ऊपर आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल का आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि इवेपोरेटर में से क्या होगा, जो आपके पास लिक्विड लिक्विड अंदर आप डालोगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वेपर को हम कंप्रेसर में डालेंगे, वहां पे हाई प्रेशर जो वेपर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेशर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम उसे कंडेंसर में डालेंगे, कंडेंसर में वो वेपर फॉर्म हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर वेपर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक एक्सपेंशन वॉल्व में डालते हैं, और एक्सपेंशन वॉल्व में क्यों, ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर किया जा सके एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। तो वहां पे हमारे पास जो कंप्रेसर है वो किसी ना किसी इनपुट सोर्स देना पड़ेगा उसे। जैसे मान लो कंप्रेसर है तो हम आप पता है आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आप उसको चाहिए, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसका क्या करें, तो हमें क्या वहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को, हम वहां पे कूलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर लाइट कुछ ऐसे भी कोने हैं देश में और जहां पे लाइट नहीं है, तो जहां लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या हम वहां पे फिर कूलिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल सोल्यूशन है। इसमें छोटी सी चेंजेस क्या कर रखी है कि जहां पे देखिए मैंने वहां पे बताया आपको कंप्रेसर इवेपोरेटर के बाद हमने यहां पे जो यूनिट कंप्रेसर की लगनी थी कंप्रेसर को हटा के दो यूनिट लगाई है, एब्जॉर्बर और जनरेटर। बाकी सेम आप देख सकते हैं, बाकी सेम है, इवेपोरेटर भी है, कंडेंसर भी है, एक्सपेंशन वॉल्व भी है, लेकिन बस एक कंप्रेसर की जगह हमने क्या लगा रखा है, एब्जॉर्बर और जनरेटर। तो मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यहां पे ठीक है, और जो इसमें हम यूज कर रहे हैं जो हम गैस कह दें उसे या रेफ्रिजरेंट कैसे कह दें उसे, आम भाषा में हम गैस कह देते हैं, तो जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो है NH3 अमोनिया। तो हम अमोनिया यूज कर रहे हैं इसे, तो अमोनिया यहां पे देखिए बिफोर इवेपोरेटर जो अमोनिया है लिक्विड फॉर्म में है और लो प्रेशर में है, तो लिक्विड फॉर्म में लो प्रेशर में है, वो इवेपोरेटर में एंटर करेगा तो इवेपोरेटर से सारी हीट उठा लेगा, किसकी, सब्जियों की, दूध की, और जो भी प्रोडक्ट आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े हैं उसकी हीट उठा लेगा, और वो क्या बन जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो अब क्या होगा, अमोनिया वेपर फॉर्म में बनेगा लेकिन लो प्रेशर पे। अब हमें प्रेशर हाई करना है, जो कि वहां पे कंप्रेसर का काम था, लेकिन यहां पे हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको गर्म कर सकते हैं। देखिए एक आप ध्यान कीजिए, तो आप घरों में भी ये यूज करते हैं, आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास एक छोटी सी दिक्कत यह है कि ये वेपर फॉर्म में है, तो वेपर फॉर्म में हमें किसी उस वेपर्स को किसी कंटेनर में डाल के और उसे गर्म करना, जैसे मैं कह दूं कि आपके पास प्रेशर कुकर है, तो वेपर जो होता है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा वॉल्यूम के कारण ज्यादा बड़ा हमें प्रेशर कुकर चाहिए होगा, ठीक है, जो जिसे हम जनरेटर बोलेंगे, तो जनरेटर ज्यादा बड़ा चाहिए तो मेरे पास दिक्कत आएगी, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां पे एब्जॉर्बर लगा दिया। तो अमोनिया जो है वेपर फॉर्म में था वो धीरे धीरे यहां पे जाएगा, और मान लेते हैं कि यहां लिक्विड फॉर्म में क्या है, वाटर है, तो मैं क्या करता हूं, इसको अमोनिया धीरे धीरे ये वेपर फॉर्म में है, आगे जाएगा पानी और ये लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। अब ये लिक्विड में मिक्स हो चुका है, यहां पे दो चीजें हैं हमारे पास, यहां पे है अमोनिया भी है और लिक्विड वाटर भी है, वाटर भी है, और उसको हम पंप पंप करके पंप लगाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे यहां से पंप से,
पंप से ऊपर लेके जाएंगे और जनरेटर में डाल देंगे। और जनरेटर को, अब जनरेटर क्या थी फिर दोबारा बता दो, ये एक प्रेशर कुकर। अब इस जनरेटर को आपने हीट देनी है, आप चाहे लकड़ियां जलाएं, आप चाहे कोयला जलाएं, आप चाहे वो सन की पावर से इसे गर्म कर सकते। हमने यहां पंप अप किया, जनरेटर आया, तो जनरेटर के अंदर हमने अब क्या डाल रखा है, NH3 और वाटर दोनों है यहां पे, तो इसको हम हीटअप करेंगे नीचे से। मान लेते हैं कि लकड़ियां जला के इसे हीटअप किया, तो जब हीटअप होगा तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी प्रेशर राइज होगा, और वो उस प्रेशर राइज होते होते धीरे धीरे प्रेशर राइज होता रहेगा और पानी जो है वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा और वो अलग हो जाएगा किससे, अमोनिया से। तो यहां पे अमोनिया फिर से अलग हो चुका है किससे, वाटर से, और उस वाटर को हम यहां पे वापस छोड़ देते हैं नीचे की ओर, वाटर को वापस नीचे भेज देते हैं और अमोनिया जो है अलग होके अब हाई प्रेशर अमोनिया बन चुका है। वेपर कौन से है, अमोनिया के हाई प्रेशर, वहां नीचे हमारे पास लो प्रेशर थे, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो चुका है, तो हमने क्या करना था, हाई प्रेशर वेपर बनाने थे किसके, अमोनिया के, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था कि लिक्विड फॉर्म में आए, तो हमने उसे पानी में मिक्स कर दिया और उस पानी को और अमोनिया के मिक्सचर को हमने जनरेटर में डाला और जनरेटर में इसे गर्म किया, और गर्म करते 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 इतना गर्म किया कि दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं और हाई प्रेशर अमोनिया अलग हो चुका है, तो पानी वापस यहीं पे वापस आ जाएगा और अमोनिया आगे चला जाएगा। अब अमोनिया हमारे पास क्या है, वेपर है और हाई प्रेशर में, उसको हम कंडेंसर में डालेंगे और कंडेंसर में क्या होगा, ये फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा लेकिन हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे है तो इसके लिए लो प्रेशर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन वॉल्व में डालना पड़ेगा, और एक्सपेंशन वॉल्व में डालेंगे तो उसका लो प्रेशर में आ जाएगा, देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। देखिए अगर फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नई वेपर कंप्रेशन साइकिल आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज आप अभी दोबारा देख लीजिए, एक बार उसको देख लेंगे तो ज्यादा इजीली ये समझ आ जाएगा। और मैं आपको एक सजेशन दूं कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे, ठीक है, आप लिंक खोलते हैं मेरे वाला चैनल आता है तो उसके बाद एक वहां पे वर्ड आता है प्लेलिस्ट, तो मैंने प्लेलिस्ट में क्या कर रखा है कि हर वीडियो को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग बना रखा है, तो सब्जेक्ट आप चाहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स तो अप्लाइड मैकेनिक्स खोल लीजिए, सोम है तो सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स, आरएसी तो अलग है, तो वहां प्लेलिस्ट में आपको इजीली सब्जेक्ट वाइज मिल सकती है वीडियोस। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। थैंक यू सो मच।